हेलो दोस्तों, हम आए हैं, हम शूटिंग के लिए जा रहे हैं। तो हम सुबह 7 बजे निकले थे घर से, तो अभी हम यहाँ किंग होटल में आ गए हैं। थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। दोस्तों ये देखो किंग होटल बहुत ही फेमस है यहाँ का, और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। देखो मैं यहाँ पे कुछ रील शूट भी करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा तो लोग की शूटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम रील शूट कर लेंगे। दोस्तों हम आगे जा रहे हैं, ये देखो यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी किंग होटल की। और गाइस हमारा एक नया गाने की शूटिंग है, और गाना भी देखना आप। शूटिंग पे जा रहे हैं नोएडा। हफ्ते भीतर सुन ले तेरा सिस्टम पाड़ेंगे। गाइस हम अंदर आ गए हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सुबह पहली मैं ही आ गई दिखूं। सब खाली लोकेशन है, आप लोग देख सकते हो। दिखा दे उनको घुमाते लग से चार मोर बिल्डिंग है ना, लड़की की जी शूटिंग हो रही है लाल रंग का। तो गाइस ये सॉन्ग की शूटिंग के लिए लोकेशन है। देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ भी है। तो दोस्तों हमारा तो मेकअप कर दिया है, और इस दीदी वाला गाइस हम मेकअप कर दिया हमारा। हेलो, और दीदी का हो रहा है मिस पारू एंड मीनू दीदी, हमारी दीदी है। हम आपस में दीदी दीदी हैं। चलो हम आपको बाहर की लोकेशन दिखाते हैं। गाइस ये शूट हो रहा है, देखो दोस्तों ये शूट हो रहा है। कितनी सारी बिल्डिंग। तो दोस्तों ये लोकेशन कहाँ पे है, हम आपको इन सर से मिलाते हैं। तो सर आप बता दीजिए। तो ये लोकेशन ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में है, द शूटिंग स्ट्रीट के नाम से। आप यहाँ सॉन्ग शूट, बेबी शूट, प्री वेडिंग शूट, मेटर्निटी शूट ले आ सकते हैं। मतलब सारे प्रॉप्स, सारे सेट्स अवेलेबल हैं। बाकी मैम आपको दिखाई देंगी सारे सेट्स बने हुए हैं, तो आप एक बार प्लीज़ विजिट कीजिए। और रेट्स भी बहुत रिजनेबल रखे हुए हैं। ओके थैंक यू। तो गाइस हमारा सॉन्ग भी यहीं शूटिंग होने वाला है, और आप देखना सॉन्ग को पूरा देखना, ठीक है दोस्तों। कैसा मजा आ रहा है सूट में, कैसा मजा आ रहा है। नमस्ते करो। नमस्ते।
मजो आ रहा है पूरा, मजो आ रहा है मुझे भी आज। हाय दोस्तों, हम रील्स बना रहे हैं, फिर सिस्टम पाड़ेंगे। चार पांच दोस्त बुलाओ यार, छेड़े चलो अकेले के। अभी तो कर दो तीन आओगे अब तक। अरे नहीं नहीं, कोई अभी छवि भी नहीं गया। हां फिर तो हम आ जाएंगे। आ जाओगे भाई, क्या हुआ? एक है भाई, ले लेना ये भाई, खड़ो आ जाना। आ जा भाई, हां तो मैं पीछे था, मुझे देख के भाग जाना। तुम जाना कम भाग जाना भाई, मैं एक बटू को भी दे दिए। गोली मरवाओ भाई, फेर काट दे, फेर काट दे कि ये पर बंदे गिन के बता दो खाने पर कौन से विकेट का नोट बना रहे हो? देर कर ले आदमी। अरे समझ मैं वैसे ही पी रहा हूँ। डर जाते गाइस, अब हमारा दूसरा सूट हो रहा है, आप देखते रहना वीडियो में कैसे होता है। पहला सूट तो हो गया। और बताओ दोस्तों कैसे हो, मेरे कमेंट में जरूर बताना मेरे सूट कैसा लगा। और ये दूसरा सूट चल रहा है। अरे भाई तो मैं सेंड कर तो रखा है, अभी कैसी बात कर रही आज मेरे साथ फिर से चांद ने छेड़खानी की। चल चल मैं बात करता हूँ, पहुंचना जाना।
मैं तो तेल भी नहीं डाल रखा, जब भी पता कैसा चिपचिपा हो यार। वो ट्रैफिक से आते ना लोग, तो ट्रैफिक के लिए सुधरता है। बारिक बाढ़ है अलीजे बहुत ज़्यादा, उतरी बहुत ज़्यादा है। हमारा पता नहीं है आज का शूट याद रहेगा। तो दवा खाने जा रहे थे नहीं, बोलो। मुझे नहीं पता था बुग्गू किसे बोलते हैं। मैंने आज पहला वर्ड सीखा है कि बुग्गू इनके यहाँ पे पोनीटेल को बोलते हैं। लाइक जैसे हम पोनीटेल बना लेते हैं ना यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे बोलते हैं बुग्गू। गाइस हमारे गांव में बुग्गू बोल रहे हैं, मतलब पूरा बाल इकट्ठा करके ऐसे। हाँ इनके गांव में बुग्गू बोल रहा है। हमारे गांव में पोनीटेल बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ पर दिल्ली में हम इस स्टाइल हेयर स्टाइल को पोनीटेल बोलते हैं। ठीक है बुग्गू, सब तो सुन के बहुत अच्छा लगा। बुग्गू सब सुन के बहुत बढ़िया लगा। मैं सोच रही बुग्गू किसी का नाम है। हाँ बट मुझे नहीं पता था ये। लेकिन अपने अपने यूपी में बुग्गू जरूर निकलेगा। गाइस फिर भी कर दिया है इसी समझी पर क्लैंपिंग करिए तो कल सुबह से आगे से अब चार पांच अच्छे से मोड़ देना इनके बाल खुले ही ना। हम क्यों बोल रहे हैं कल पकड़ लेंगे उठा। यूप सुना रहे हो भाई मैं। भाई चप्पल सुनाओ जी।